और इस बीच आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में कई पुराने नेताओं की वापसी होने लगी और इससे बहुत सारे लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी। हालांकि उनका मानना है कि आलाकमान ने आखिर फैसला करेगा, लेकिन बागी कांग्रेस नेताओं के घर वापसी को लेकर कई अहम दिग्गज जो हैं और वो नाराज है। और सांसद धीरज साहू का बयान आया है कि इससे कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ेगी, बहुत ही मुश्किलों से हम एक तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उभरे हैं और अब पार्टी को मजबूती देने की बारी है। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्हीं नेताओं को वापस अगर हम लेकर आते हैं तो ऐसे कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी और फिर से पार्टी कमजोर होने लगेगा। हमारे सहयोगी ऋषिकेश इस वक्त मौजूद है दिल्ली में और उनके साथ राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी मौजूद है। क्या कुछ कहना उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर, खास चर्चा ऋषिकेश करेंगे उनके साथ। पंकज देखिए, एक बड़ी खबर है अपने दर्शकों के लिए, झारखंड की सियासत के लिए, कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर अजय, उनकी कांग्रेस में घर वापसी हुई। उसके बाद कई सारे नेताओं का ताता लग गया, कई सारे नेताओं ने एप्लीकेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के यहाँ, जिसमें दो महत्वपूर्ण नेता हैं प्रदीप बालमुचू और सुखदेव भगत, दोनों ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। हालांकि सुखदेव भगत लोहरदगा से विधायक थे, सांसद धीरज साहू ने साफ तौर पर विरोध किया है और कहा है कि सुखदेव भगत के पार्टी में आने से पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी, एक बार फिर पार्टी पुराने ढर्रे पर जाएगा, क्योंकि ये सबको याद है, पार्टी को याद है कि सुखदेव भगत किस हालात में पार्टी को छोड़कर गए थे और उन्होंने अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और अब आखिर क्या वजह रही कि सुखदेव भगत को बीजेपी ने निकाल दिया है? क्या वो बीजेपी के एजेंट बनकर तो फिर कांग्रेस में नहीं आ रहे हैं? हमारे साथ खुद सुखदेव भगत धीरज साहू मौजूद हैं, सांसद। सर, पार्टी में घर वापसी को लेकर डॉक्टर अजय की घर वापसी के बाद बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया, कहा कि हमसे गलती हो गई, हम पार्टी में आना चाहते हैं। सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचू भी उसमें एक थे। सुखदेव भगत की घर वापसी को लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा मानना यही है, मेरा व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत सोच भी है कि वैसे मौका फरस्त लोगों से पार्टी को सतर्क रहना चाहिए। आज जिस दौर से हमारा पार्टी गुजर रहा है, हम लोगों को संभल के फुक कर पैर रखने की ज़रूरत है और वैसे लोगों से होशियार रहना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को लात मार के गया था। जब गए थे चुनाव के समय में, पार्टी उन्हें निकाली नहीं थी या पार्टी से कोई गिला चिकुआ भी नहीं था, अब केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए वो पार्टी छोड़ करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े हैं। आज वो किस मुँह से आ रहे हैं कि हमको पार्टी में फिर से वापस ले लीजिए। ऐसा होने से अगर पार्टी कुछ दिन इनको इंतज़ार करना चाहिए था और पार्टी सोच समझ करके वैसे लोगों को लेना पड़ेगा कि जो लोग अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने परिवार का फायदे के लिए, अपने लोगों को फायदे के लिए इस तरह का काम करते हैं, वैसे लोगों से होशियार रहना चाहिए पार्टी को। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस समय चुनाव हो रहा था, पार्टी को बहुत बुरा भला किया, मुझे भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। और जब सोच के गए थे भारतीय जनता पार्टी क्यों निकाली पार्टी से, मैं देखा हूँ बहुत नज़दीक से, पहले भी देखा हूँ कि यहाँ पार्टी में रह करके भीतरघात लोग करते हैं जाके, तो वैसे लोगों से हम लोगों को होशियार रहना चाहिए। और अगर पार्टी ले भी रही है तो बहुत ठोस ठस करके इतना जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये आला कमान अगर जो भी फैसला लेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि वैसे लोगों से पार्टी को होशियार रहना चाहिए। लेकिन सर, एक सवाल ये था कि जो पार्टी में नेता वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे भूल चूक हो गई, गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया लोहरदगा से, और अब कह रहे हैं कि वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े जरूर हैं लेकिन उनसे गलती है और गलती को एक बड़ी पार्टी क्षमा करती है, इसीलिए वो वापस आते हैं। देखिए, क्या सोच कर पार्टी से गए थे? वो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हम मानते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, और किस कैसा गलती की है, ये गलती इसको नहीं बोला जा सकता है। जिस समय छोड़ कर जा रहे थे कि कितना भरा बुरा कहे पार्टी को, पार्टी के नेताओं पर बहुत उल्टा पुल्टा आरोप लगाए, लेकिन वो जिस मुंह से छोड़ कर गए थे, और हम चाहते हैं कि वैसे लोगों को अभी भी मैं
सलाह देना चाहता हूँ, पार्टी को अपनी तरफ व्यक्तिगत राय देना चाहता हूँ कि वैसे लोगों से पार्टी होशियार रहे। अब पार्टी धीरे धीरे उभर रही है, चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी वो घर वापसी चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, वैसे लोग लें जो जिनके आने से पार्टी को रियल में फ़ायदा होगा। उनका आने से कोई फ़ायदा होने वाले नहीं है, हम जानते हैं कि उनका क्या रवैया है। तो जब से वो पार्टी में आए हैं केवल अपने लोगों के लिए सोचते हैं, अपने घर परिवार के लिए सोचते हैं, अपने कमाई के बारे में सोचते हैं जाते हैं पार्टी के बारे में। ऋषिकेश साहू ने साफ तौर पर कहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से घर वापसी की बात की जा रही है वो बहुत ही कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और कहीं ना कहीं साफ संदेश था ये दिया साहू का कि केस टू केस पर्सन टू पर्सन वैरी करता है घर वापसी का मामला, और ऐसे लोगों के आने से पार्टी कमजोर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और आपने तफसील से यहां पर जानकारी दी कि किस तरीके से पार्टी में सुखदेव भगत या फिर प्रदीप बलमुची के वापसी को लेकर तमाम जो चीजें चल रही है और उसके बीच में दूसरे नेताओं को कैसे बुरा लग रहा है। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान करेगा और आलाकमान ही आखिरी फैसला करेगा। फिलहाल बुलेटिन में ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे। झारखंड से हर पल अपडेट, नमस्कार।